The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So baat kar rahe hain hum varicose vein ke treatment ki, aur abhi hum baat karenge non-invasive treatment. Non-invasive ka matlab jisme chira nahi mara, kaata nahi hai, taanke nahi lagenge. So aise treatment jisme aapke skin ko nahi bahut zyada chira mara gaya, koi bhi minimally invasive jisko keh sakte hain ya non-invasive. So varicose vein hame pata hai suji hui khoon ki nase hain jo dard bhi kar sakti hain, jo suj ke chamdi mein ulcer bhi kar sakti hain, aur ye pairon mein banti hain aur valves ke kharabi ke wajah se banti hai. So isme bahut sari treatment apply karta hai. आपको ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट से पहले आपको पैरों को सुन किया जा सकता है, उसके लिए आपको सुन करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक दिया जा सकता है, और इसमें कोई भी बेहोशी ज़्यादातर नहीं की जाती नॉन इन्वेजिव वाले में. इन्वेजिव वाला ऑपरेशन जो होता है जिसमें पूरी की पूरी नस निकाल दी जाती है, वो डिफरेंट है. यहाँ हम नॉन इन्वेजिव की बात करें, नॉन इन्वेजिव में पहला ऑप्शन है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें छोटी छोटी खून की नसें हैं, स्पाइडर वेन्स, स्मॉल वेरिकोस वेन्स, उसमें क्या करते हैं, सलाइन वाटर वाला या एक केमिकल सोल्यूशन होता है, उसका इंजेक्शन सीधा वेन के अंदर डालते हैं, और वेन जो है वो थोड़ी हार्ड होके डिसअपियर हो जाएगी. तो इस तरह से स्क्लेरोजिंग एजेंट हो जाता है, ये स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं और स्क्लेरोसिस होके वो वेन हार्ड होकर डिसअपियर हो जाती है, आपकी वो वेन में प्रॉब्लम बंद. फिर सेकेंड इशू, सेकेंड ऑप्शन है लेज़र ट्रीटमेंट. लेज़र ट्रीटमेंट से आपके स्किन के ऊपर से ही जहाँ जहाँ सूजन है वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स, लाइट के बर्स्ट छोड़े जाते हैं, और जो छोटी छोटी वेरिकोस वेन्स हैं वो डिसअपियर हो जाएगी उससे. तो लेज़र थेरेपी भी छोटी छोटी वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत अच्छी है. फिर एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है फ्लेबेक्टॉमी. फ्लेबेक्टॉमी का मतलब है जो ऊपर वेरिकोस वेन्स हैं जो छोटे छोटे हैं, इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा निक मारते हैं, यहाँ पे चीरा नहीं मारते, छोटा सा कट सा मारते हैं, उस कट से बिल्कुल जहाँ वेन है वो वेन को पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है. जी हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर मारेंगे, उसमें क्या है मिनिमली इन्वेसिव होता है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं कि पूरा खोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अगर दूर दूर मान लीजिए यहाँ और यहाँ, और एक तरफ से खींच के वेन को निकाल लेंगे, वहाँ पर कट, वहाँ पर ये. तो ये बहुत फ्लेबेक्टॉमी करके मेथड है ये. इसमें भी ट्रीटमेंट के लिए जो ये लाइट से देखने पड़ता है वेन कहाँ है, या अल्ट्रासाउंड से देखना पड़ता है कि वेन कहाँ कहाँ है. इसके अलावा दूसरे प्रोसीजर्स आते हैं जैसे कि एब्लेशन. एब्लेशन का मतलब है वहाँ पर हीट, इंटेंस हीट ट्रीटमेंट दी जाती है. इस इंटेंस हीट से वेन के ऊपर दो तरीके से वार किया जा सकता है. एक तरीके रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करके, और दूसरा होता है लेज़र एनर्जी. और ये दोनों प्रोसीजर में डॉक्टर क्या करेंगे, एक वेन को पंक्चर करेंगे, जैसे आपके सुई लगती है, पंक्चर करेंगे वेन को, सुई लगाएंगे वेन में, और उसमें से एक ट्यूब डालेंगे अंदर ही, फ्लेक्सिबल ट्यूब डालेंगे आपकी वेन के अंदर ही, तो थोड़ी लंबी होगी, और ये कैथेटर बोलते हैं इसको, कैथेटर आपके वेन के अंदर से गरम हीट पैदा करेगा, वेन को देगा, और हीट से क्या होगा, अंदर ही अंदर में वेन जो है वो सिकुड़ती जाएगी, और लिटरली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वेन डिस्ट्रॉय होकर डिसअपियर हो जाएगी. इससे क्या होगा, वेन हट जाएगी, तो आपकी जो सूजन है, स्किन के ऊपर प्रेशर है, जो पैरों में सूजन है, वो सब ठीक हो जाती है. तो ये भी एक प्रोसीजर है एब्लेशन, जिसमें कि छोटा सा कैथेटर डाल के हीट ट्रीटमेंट किया जाता है. ये सब सर्जन करते हैं, ये हम लोग नहीं करते. फिर ये प्रोसीजर, जैसे हमने कहा कि जिन जिन को वेरिकोस वेन ज़्यादा बड़ी हो गई है, पैरों में दर्द हो रहा है, नमनेस हो गई है, स्किन कलर चेंज हो गया, अल्सर बन रहे हैं, ब्लड क्लॉट आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है सारे. और इनमें भी जैसा आपको समझना होगा, रिस्क होते हैं किसी भी प्रकार का वो प्रोसीजर हो, नॉन इन्वेजिव हो, इन्वेजिव हो. नॉन इन्वेजिव में आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं दवाइयों से, और छोटे छोटे जो इवन इंजेक्शन लग रहे हैं उसमें ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. और इसी प्रकार के वेरिकोस वेन सर्जरी के बाद नसों में या नर्व्स में नर्व प्रॉब्लम्स या ब्लड क्लॉट आने का रिस्क होता है. ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, ये 1-2% से कम लोगों में होता है, लेकिन रिस्क होता है, इसलिए बताना ज़रूरी है. राइट, वेन इरिटेशन, इजी ब्रूजिंग या स्कारिंग, ऐसी चीज़ें, या फेलियर हो सकता है कि क्लोज ही ना हो
वेन या फिर एक ओपन वेन क्लोज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो ये सारे एक तरीके से, या फिर ये भी हो सकता है कई बार वो वापस आ जाए। मान लीजिए जो मेन कारण है कि आप लंबे समय खड़े होते हैं वो नहीं ठीक किया ले, तो वो वापस आ जाएगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अगर आप प्रेग्नेंट है, कोई दवा ले रहे हैं, तो एज यूजुअल किसी भी ऑपरेशन से पहले अपने डॉक्टर को बताएंगे। और प्रोसीजर के बाद भी आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनते रहना पड़ेगा, बाकी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कि हर 2-4 घंटे में एक बार पैर को छाती के ऊपर, हार्ट के ऊपर लेके जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। राइट, ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत सेफ प्रोसीजर्स होता है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और आगे चल के स्टॉकिंग पहन लेने से वो वापस आने से रुक भी जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे आपके चीज़ें होती हैं। और लास्ट जो ऑपरेशन बचता है इसके लिए वो होता है एक्चुअल सर्जिकली, आप पूरी की पूरी वेन निकाल जाते हैं, वेन वेरिकोज, वेन स्ट्रिपिंग, पूरी पूरी वेन निकल जाती है, धीरे धीरे करके पूरी वेन निकाली जाती है। इसमें स्ट्रिपिंग में पूरा पूरा ऑपरेशन होता है पैर का, और वेरिकोस वेन जैसी मोटी मोटी नसें जो आपके पैरों में बनती हैं उनको ऑब्वियसली इसमें फिर एनेस्थेशिया की ज़रूरत पड़ती है आपको, बेहोश या जनरल या स्पाइनल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया में आप बेहोश कर दिए जाएंगे, स्पाइनल में आपका सिर्फ पैर के नीचे का, कमर के नीचे का हिस्सा बेहोश हो जाएगा, ऊपर आपको होश होगा। सर्जरी के दौरान 2-4 कट किए जाएंगे आपके पैर में, और इन कट ऊपर एक, बीच में एक, नीचे एक, और उन कट से क्या होगा, फ्लेक्सिबल वायर डाला जाएगा वेन वेन के थ्रू गाइड करके, और गाइड वायर डाल के आगे अंदर चल के नीचे 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 तक पैर तक ले जाया जाएगा, और वायर से फिर वेन को बांध दिया जाएगा, और वायर उल्टा ऐसे खींच के स्ट्रिप कर दिया जाएगा, लोअर कट पूरा का पूरा उससे खींच कर, थ्रू द लोअर कट उससे खींच सकते हो उसमें। और अगर मान लीजिए वेन डैमेज होगी तो उस समय भी, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ डैमेज होगी वहाँ वहाँ फिर कट मारना पड़ता है, वहाँ से फिर उसको स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे इसमें आते हैं, इसको भी, इसको एक तरीके से एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टॉमी कहते हैं, एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टॉमी। और उसके बाद इन छोटे छोटे कटों में टाके मार दिए जाएंगे और वो अच्छे से हील भी हो जाएंगे। बैंडेजेस, कंप्रेशन स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉकिंग इसमें भी आपको पहनना पड़ेगा, और ये भी उसी कारणों से करी जाएगी जैसे पैरों में सूजन है, दिक्कत है, दर्द है, डिस्कलरेशन है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आ रही है। राइट, और कई बार ये करा जाता है सेकेंड लाइन में, जब नॉन सर्जिकल वेज जो है, लेज़र हो गए, स्क्लेरोथेरेपी होगी, एब्लेशन होगी, वो नहीं काम कर रही तब। राइट, इसके क्या रिस्क है, ऑब्वियसली इसमें भी एनेस्थीशिया के लिए, एनेस्थीशिया के जो मेडिसिन हैं उससे रिएक्शंस हो सकते हैं आपको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, क्लॉट्स, इन्फेक्शन, ब्रूजिंग, नर्व डैमेज, ये सब होने के चांसेस होते हैं। ऑपरेशन है, ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, सब में नहीं होता, 1-2% लोगों में होता है, किस में होगा किस में नहीं नहीं पता। ऑपरेशन के पहले ऑब्वियसली खाना नहीं पी, भूखे थोड़ी देर भूखे रहना पड़ेगा, दवाइयाँ कुछ हिसाब से एडजस्ट करनी होंगी अगर दवाई ले रहे हो। राइट, और ऑपरेशन के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, जैसे कि कुछ कुछ घंटे में पैर ऊपर करके रखना ताकि वेन खाली हो जाए, और कंप्रेशन स्टॉकिंग रखना कई तो कुछ समय तक। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन के बाद 3 से 5 दिन के तक आपको थोड़ी बहुत बैंडेजेस और उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, 3 से 5 दिन के बाद जो ऊपर बैंडेजेस में भी खून आना बंद हो जाएगा। सो उस चीज़ को आपको कुछ वीक्स तक भी रखना पड़ सकता है, लेकिन ये स्ट्रिपिंग से पेन या आपके पैर का अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पैर इतने जो ख़राब हो जाते हैं, सूज जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। सो ऐसे केस में भी वापस ना आ जाए इसके लिए आपको अपना खड़े लंबे समय तक खड़े होना या जो दूसरा मेन कारण है उसको हटाना पड़ेगा, और स्टॉकिंग्स बीच बीच में पहननी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट कि इसके लिए क्या ऑपरेशन होता है, कैसे कैसे होते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आपके जनरल सर्जन करते हैं या वैस्कुलर सर्जन करते हैं, सो आप उनके पास जाके इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। राइट, अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए।